आप सभी को पता होगा कि खाद्य सुरक्षा में जो नए नाम हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मतलब कि अगर आपको भी गेहूं मिलता है और आपके फैमिली में कुछ नाम बाकी रह गए हैं तो उन्हें आप अभी जुड़वा सकते हैं। साइट पूरी तरह वर्क कर रही है, 3-4 साल के बाद में ये साइट चल रही है। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 कैटेगरी यहाँ पर है, एक तो विवाहित महिला के नाम जुड़ रहे हैं, उसके साथ में आप छोटा बच्चा कोई है जिसका नया जन्म हुआ है उसका नाम भी आप जुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें तो अगर विवाहित महिला का अगर आपको नाम जुड़वाना है तो ससुराल का जो राशन कार्ड है उसकी आपको फोटोकॉपी लगवानी पड़ेगी। उसके साथ में आप देखें तो विवाहित महिला की जो NOC है वो आपको नाम हटाकर समर्पण प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं वो आपका जारी किया हुआ होना चाहिए, उसकी कॉपी आपको साथ में लगानी है। विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी आपको साथ में लगानी है। विवाहिता का आधार साथ में लगाना है। उसके बाद साथ में आप देखें तो आवेदन फॉर्म फ़ोटो के साथ जो फॉर्म होता है राशन कार्ड में नाम ऐड का वो आपको इसमें अटैच करना है। इन सभी की एक PDF बनानी है। इसके साथ में जो आवेदक है उसका भी आधार कार्ड साथ में लगा देना है। और इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखने की, विवाहित महिला में एक कंडीशन है कि आगे वाला जो परिवार है जो पीहर पक्ष है वो भी NFSA में होना चाहिए, तभी इधर उसका नाम जुड़ेगा और तभी यहाँ पर गेहूँ चालू होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद में आप भी नाम जुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए दस्तावेज मैंने आपको बता दिए हैं और जो इसका आवेदन फॉर्म होगा उस पर सचिव के आपको सिग्नेचर करवाने हैं। अब छोटे बच्चे का अगर आपको किसी का नाम ऐड करवाना है तो उसके साथ में आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका जो आधार कार्ड यदि बन गया है तो आप उसके साथ में लगा सकते हैं, नहीं हो तो भी चलेगा, और आवेदन फॉर्म फ़ोटो के साथ में आपको अटैच करना है। तो ये सारी PDF बनाकर आपको ई मित्र पर ले जाना है या फिर आपको इसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर ई मित्र पर ले जाना है। आवेदन फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आप भी आसानी से इस तरीके से नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपको और भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा।